दोस्तों एक वीडियो बनाई थी मैंने, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको थ्योरेटिकली ये बताया था कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू में भेजना चाहते हैं और उसी के टाइम पे आपके स्टेप टू के अंदर कोई एरर आ जाता है, कुल मिलाकर फिक्स इन एडसेंस आता है, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला था कि मुझे प्रैक्टिकल वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों प्रैक्टिकली बेसिकली सारा इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आपको फिक्स इन एडसेंस की जो प्रॉब्लम होती है आपके स्टेप टू में मोनेटाइजेशन पेज के अंदर, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। और ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी, तभी आपके समझ में सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आपके समझ में वो कतई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी सारे केसेस रहते हैं जिन केसेस में लगभग 6-6 महीने से चैनल पेंडिंग में पड़े रहते हैं, मोनेटाइज नहीं होते स्टेप टू एरर की वजह से। तो स्टेप टू एरर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे फिक्स इन एडसेंस की या चेंज एसोसिएशन की, स्टार्ट ऑप्शन की या क्रिएट एडसेंस अकाउंट की, तो कोई भी ऐसा मसला या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के हिसाब से। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि किस तरह से आपको स्टेप टू को सक्सेसफुली वेरीफाई कराना है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स के लिए कुछ चैनल्स दिखा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैंने काम ट्रस्टेड किया है और सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चैनल को पकड़ लेते हैं। देखिए, ये एक शोएब भाई का चैनल है, ये वाला शोएब अंसारी, ये स्क्रीन शॉट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, यहाँ पर इनका एरर आ चुका था, बट आपके भाई ने अपने मेहनत से इसको यहाँ से रिमूव करा के इनका स्टेप टू डन करा दिया है। ठीक है, दूसरा यूट्यूब चैनल हम देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसको मुझे सेल करना था, ठीक है, किसी को देना है, सेल करना है, कबीर खान के नाम पे। ठीक है, कबीर खान के नाम से ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और इसके स्टेप टू में भी फिक्स इन एरर का प्रॉब्लम था पिछले 2 महीने के आसपास से। मैंने इसको साइड में डाल रखा था, मैंने इसको जब भी फुर्सत मिलेगी तो बहुत सारे चैनल का ये वर्क मुझे करना है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रखा था। बट इसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका पूरा प्रूफ है। यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस शो हो रहा है, लेकिन मैंने इसको हटाकर फाइनली यहाँ पर स्टेप टू में स्टार्ट का ऑप्शन ला दिया है। अब मैं इससे अपना एडसेंस अकाउंट फाइनली करेक्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद में आते हैं दोस्तों, ये एक चैनल, ये एक हमारे भाई राजकुमार हंस, इनके इस यूट्यूब चैनल के ऑप्शन में भी यहाँ मतलब स्टेप टू में भी एरर का इशू 2 बार आया। एक बार तो हट गया, फिर से 2 बार आया, लेकिन फाइनली इन्होंने कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से एल्गोरिथम में कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने इसको दोबारा से एरर दे दिया था, लेकिन फाइनली मैंने इसको डन करा लिया है। इसके अलावा दोस्तों एक यूट्यूब चैनल और है, गेमिंग आशीष वाईटी, इसके अंदर भी स्टेप टू का एरर था और दोस्तों इसके अंदर एक चेंज एसोसिएशन का भी ऑप्शन आ रहा था, लेकिन फाइनली मैंने 3 बार चेंज अकाउंट किया मतलब चेंज एडसेंस किया, तो फिर भी यहाँ पर बार बार वही ऑप्शन आ रहा था। लेकिन फाइनली मैंने इसके अंदर एक नया जीमेल अकाउंट बनाया और नया एडसेंस बनाया, वो कनेक्ट किया है, तो फाइनली वो भी ऑप्शन सही हो गया है। इसके अंदर बेसिकली फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें आ रही थी, फिक्स इन एडसेंस, चेंज एसोसिएशन। ठीक है, तो वो भी आपके भाई ने यहाँ पर सॉल्व करा दी है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक फिफ्थ चैनल है मेरे पास में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिफ्थ चैनल, इस चैनल का क्राइट एरिया कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1015 सब्सक्राइबर्स हैं, 4174 यानी 4174 घंटे का वॉच टाइम, 2 स्टेप भी यहाँ पर डन है और 0 कम्युनिटी है। अब फाइनली ये अप्लाई होने वाला है मोनेटाइजेशन के लिए, इसको भी मुझे अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली दोस्तों, अगर ऐसे ऐसे चैनल्स के ऊपर मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, या वो कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो। ठीक है, फाइनली सारे यूट्यूब चैनल आपके सामने सही है, तो एग्जांपल से चलते हैं इस चैनल के ऊपर। मान लीजिए इस यूट्यूब चैनल का स्टेप टू मैंने फिक्स इन एडसेंस सही कराया है, उसको रिमूव करा के इस स्टेप टू को डन कराया है, फिक्स इन एडसेंस वाली प्रॉब्लम जो है मैंने सॉल्व कराई है, तो वो कैसे कराई है। इस चैनल को ही पकड़ते हैं और यहाँ पर चलते हैं, ये आप देख सकते हैं क्रिएट विद क्रिएटर सपोर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में चैट इज लोडिंग, मतलब चैट के लिए यहाँ पर पेज लोडिंग हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या यहाँ पर टाइप करके भेजना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको गूगल सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ेगी। ओके, तो फाइनली गूगल सपोर्ट का ये पेज जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है हाई माई नेम इज लेस्टर, हाउ आर यू डूइंग टूडे, मतलब ये आपको एक मेल करेंगे तो आपको हाय हेलो करके कुछ इस तरह से करके कुछ भेजना है। ये गूगल सपोर्ट टीम वाले होते हैं, इनसे आप बता सकते हैं ये जो स्टेप टू का एरर का इशू है ना, ये कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पेज को बैक कर लेता हूँ।
यहाँ पर नोटपैड में मैंने कुछ लिख कर रखा है, यहाँ पर है आई वॉन्ट टू अनलिंक द क्लोज्ड एडसेंस माई फ्रॉम माई चैनल, ठीक है। इसको आपको ऐसे कॉपी करना है या आपको टाइप करना है, इस तरह से करके कॉपी में कर लेता हूँ। और आपको टाइप कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैनल पर चलते हैं और यहाँ पर जाकर आपको इस तरह से इसको, मेरे तो चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं इनको रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल के लिंक पर जाना है, मतलब इस चैनल का मान लो जो इस चैनल की हमें प्रॉब्लम को दूर कराना है ना, तो इसके यूट्यूब चैनल के हमें लिंक पर जाना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा। जिस तरह से कॉपी करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक पेज तो ये खुला है मोनेटाइजेशन का और एक यहाँ पर ये खुल गया है। उसके बाद में सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, यू आर चैनल पर जाएंगे। यू आर चैनल पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक आएगा इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसी पेज पर जाना है और फिर बाद में ये जो टाइटल लिखा है इसके आगे इस लिंक को पेस्ट कर देना है और आपको एंटर दबा के इसको भेज देना है YouTube टीम को। फिर वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, बाद में इनको आपको फाइनली रिप्लाई करने हैं। फिर वो क्या करेंगे दोस्तों, आपको जब लिंक भेज दोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह का एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये जैसे ये है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारे YouTube चैनल पर, मान लीजिए यहाँ पर फिक्सिंग एडसेंस का एरर आ रहा है, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से, ठीक है, नीचे से यहाँ से आपकी स्क्रीन पर होगा, आपके डेस्कटॉप ऑप्शन पे होगा, यहाँ से क्लिक करके उसको इस तरह से ओपन करके भेज सकते हैं गूगल टीम को, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह से करके आप स्क्रीनशॉट लेके और इस पेज पर ही जाकर यहाँ से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको सारी वजह बता सकते हैं, कुल मिलाकर बात ये है सारी प्रॉब्लम को आपकी वो यहाँ से दूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ बार बार ये मुझसे रिप्लाई मांग रहे हैं, लेकिन फाइनली मैंने इनको कोई रिप्लाई नहीं दिया है इसलिए इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब यहाँ पर इस पेज को ही ब्लॉक कर दिया। तो फाइनली आपको इतना सा ही काम करना है। अगर इस प्रॉब्लम से आपका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर जीमेल पे, ठीक है। जीमेल पे जाकर आप गूगल सपोर्ट टीम से बात करेंगे, उनको यही लिखना है कि आप हमारी इस प्रॉब्लम को दूर कर दें। स्क्रीनशॉट वगैरह आपको डालने होते हैं यहाँ पर इस तरह से करके, जैसे ये है एक, इस तरह से मैंने इनको भेजा था यहाँ पर, और ये आपको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको देखना है, देखिए ये लिखा है ytpartnersupportgoogle@gmail.com, ये इनका यूज़र आईडी है, ठीक है, जीमेल अकाउंट है, इस पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। किसी किसी चैनल के लिए हमें यहाँ से करना होता है और ज़्यादातर चैनल का यहीं से सॉल्व हो जाता है, इस जगह से, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ से आपको मेल करना होगा। आपको ये वाले यहाँ पर लिखा है ना गूगल यूट्यूब टीम, यहाँ पर जाकर आपको www.youtube.com पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वही रिप्लाई जो आपने यहाँ पे दे रखे होंगे, मतलब आपको क्या इश्यू है, स्टेप टू की इशू प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, वो आप उनको देकर छोड़ देंगे। उसके साथ में आपको अपने चैनल का लिंक भी कॉपी करके यहाँ पर देना है, ठीक है। चैनल का नाम लिख देना है, ये चैनल का नाम है, फिर चैनल का लिंक और एडसेंस का लिंक भी आपको भेजना है कि आपको हमारे एडसेंस को अनलिंक करना है हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी पेमेंट प्रोफाइल डिलीट कर रखी है और या आपने मतलब अपना एडसेंस अकाउंट उठा रखा है, तो दोस्तों आप उनसे फिर भी कांटेक्ट करके अपना ये काम आसान से करा सकते हैं। आपको लगता है कि आपने एडसेंस अकाउंट डिलीट कर दिया यहाँ से और आपने पेमेंट प्रोफाइल भी उड़ा दी, लेकिन वो इंटरनली कनेक्ट रहता है आपके यूट्यूब चैनल से, वो खुद उसको वहाँ से रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से करके स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे यहाँ पर ही आ रहा है। उसके बाद में आप स्टार्ट करके यहाँ से आसानी से अपना एक नया एडसेंस बना के लगा सकते हैं, या आपने पहले से कोई एडसेंस अकाउंट बना रखा है उसको यहाँ से आप कनेक्ट करके स्टेप टू को फाइनली यहाँ पर इस तरह से डन करा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें समझा दी हैं, ओके दोस्तों। और यदि अगर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपका भाई है ना, कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो के अंदर मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर एक्सेस करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप वॉइस में भी बोल के भेज सकते हैं और आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मैं सारी प्रॉब्लम को आपके आसानी से दूर कर दूंगा। सो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको दिखाया है, आप लोगों को आसानी से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इन फ्यूचर आपसे ये काम नहीं हो पाता है सक्सेसफुली, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप जाकर मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सवाल मुझसे वहाँ पर कर सकते हैं। सो खैर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।